हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, इनकी अदा है सबसे जुदा, बचना है हसीनो लो वो आ गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आबरा का डाबरा पारस छाबरा की। तो चलिए आज हम आपको पारस की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। 11 जुलाई 1990 को दिल्ली में जन्मे पारस बचपन से ही काफी शरारती और चुलबुले मिजाज के हैं। पारस अपनी माँ रूबी छाबरा के दुलारे बेटे हैं। जब पारस 3 साल के थे तब उनके पापा की डेथ हो गई थी और पारस के पालन पोषण की जिम्मेदारी पारस की माँ पर आ गई, जिसे बड़ी ईमानदारी से पारस की माँ ने निभाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पारस ने अपना फैमिली बिजनेस कई हेल्थ क्लब को संभाला, जिसके वो ओनर है, और वही उनका करियर स्टार्टअप रहा। पर अपनी अच्छी हाइट पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए पारस मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने उतर पड़े। कई मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद पारस नजर आए एमटीवी के सुपरहिट रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 5 में, जिसके वो विनर भी बने। फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना लक आजमाया। सीरियल बड़ो बहू, विघ्नहर्ता गणेश और कालरीन में पारस नजर आए। पारस ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की फिल्म मिडनाइट समर से, जिसमें उनके ऑपोजिट सारा खान थी। कुछ दिन की जान पहचान के बाद दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, दोनों कई जगह साथ देखे गए। पब्लिकली भी अपने रिलेशनशिप को दोनों ने एक्सेप्ट किया। दोनों नजबलिए 6 का हिस्सा बने थे, पर अफसोस दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और वो भी ऐसे कि सारा ने कई इल्जाम पारस पर लगाए, जैसे पारस सारा के साथ उनके स्टारडम की वजह से थे। उसके बाद पारस टेलीविजन एक्ट्रेस पवित्र पुनिया को डेट कर रहे थे, पर दोनों का कब ब्रेकअप हुआ किसी को खबर नहीं। और फिलहाल पारस फिल्म कैलेंडर गर्ल्स की एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के साथ रिलेशनशिप में है, और ये कोई ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है। पारस पूरी तरह से आकांक्षा के प्यार में पागल है, इसलिए तो उनके नाम का टैटू अपने कलाई में बनवाया है। हालांकि पारस जो इंडिया के नंबर 1 रियलिटी शो बिग बॉस 13 का हिस्सा बने हैं, बिग बॉस में एंट्री लेते वक्त पारस ने खुद को संस्कारी प्लेबॉय बताया था, और घर के अंदर भी वो अपनी इसी इमेज को ज्यादा बाहर लाने की कोशिश करते हैं। एंट्री लेते ही शहनाज के साथ इश्क फरमाते दिखे पारस, तो वही माहिरा के साथ भी उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। खुद को मास्टरमाइंड मानते हैं पारस, और टास्क में दिमाग भी लगाते दिखते हैं। हालांकि कई बार उनकी स्ट्रेटेजी फेल भी हो जाती है, लेकिन सीक्रेट रूम में बैठकर उन्होंने सिद्धार्थ के साथ कई ऐसे डिसीजन लिए जो उन्हें अब मास्टरमाइंड साबित कर रहे हैं। वहां बातों ही बातों में पारस ने अरहान खान से कहा कि आकांक्षा ने जबरन ये टैटू बनवाया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आकांक्षा या पारस ही जाने। अब आपको पारस के घर के अंदर की जर्नी के बारे में बता देते हैं। पारस ने घर में काफी बवाल मचाया हुआ है। बिग बॉस 13 को टेढ़ा बनाने में पारस कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आए दिन वो किसी न किसी से भिड़ जाते हैं, फिर वो चाहे रश्मि देसाई हो, असीम रियाज हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला को। घर के अंदर पारस की खास सिर्फ माहिरा शर्मा है, जिनसे उनकी दोस्ती पक्की वाली मालूम होती है। इंजरी की वजह से सीक्रेट रूम में बैठे जब पारस को मौका मिला किसी एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सेव करने का, तो बिना हिचकिचाए पारस ने माहिरा को सेव कर दिया। और आपको ये भी बता दे कि पंजाब की कटरीना कैफ यानी शहनाज गिल पारस पर पूरी तरह से लट्टू है, ये जानते हुए भी पारस रिलेशनशिप में है। शहनाज पारस के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब तक के बिग बॉस 13 के सफरनामा में पारस तगड़ा एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, चाहे टास्क से, झगड़े लड़ाई से या फिर अपनी उटपटांग हरकतों से। पारस ऑडियंस को भरपूर अपनी ओर खींच रहे हैं। आपका क्या कहना है पारस की इस कहानी को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आप किस बिग बॉस कंटेस्टेंट की कहानी देखना चाहते हो? डू लेट अस नो योर व्यूज। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर टेली अपडेट्स।